हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्रिक चैनल। पिछले वीडियो में, पिछले दो प्लेलिस्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री और डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर को कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने उस प्लेलिस्ट में जाके आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा जिसका नाम है लीनियर एलजेब्रा। लीनियर एलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले आपको जानना होगा मैट्रिक्स क्या होती है। लीनियर एलजेब्रा में चाहे आप बीएससी कर रहे हैं, आईआईटी जैम, गेट, सीएसएन, नेट में मैट्रिक्स से बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आज मैट्रिक्स को बेसिक से आपको पढ़ाऊंगा और मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज और स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स को इस प्लेलिस्ट में डिस्कशन करते जाऊंगा। सो फ्रेंड्स, पहले जानते हैं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर मैट्रिक्स। सो फ्रेंड्स, पहले इसका डेफिनेशन जानते हैं। मैट्रिक्स क्यों तैयार हुआ? आप सिनेमा हॉल में जाइए, शॉपिंग मॉल में जाइए, मेडिकल स्टोर में जाइए, आप किसी भी मेडिकल स्टोर में आप किसी भी दवाई पूछ देते हैं तो उसका दुकानदार आपको आसानी से ही उस दवा दे देते हैं। मैट्रिक्स क्या होती है? अगर मैं कुछ नंबर को एक रेक्टेंगुलर एरे में रीअरेंज करूं तो उस एलिमेंट को ढूंढना बहुत ही आसानी हो जाती है। सिनेमा हॉल में जब आप सीट तैयार किया जाता है वहां पे सीट की जो सीक्वेंस होता है, वन नंबर सीट, टू नंबर सीट, थ्री नंबर सीट, उसको अच्छे से एनालिसिस करने के लिए मैट्रिक्स यूज होता है। और मैट्रिक्स कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में बहुत ही काम आते हैं। सो फ्रेंड्स, इसका डेफिनेशन जानते हैं। ए सेट ऑफ एम एन नंबर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे कॉन्स्टेड ऑफ एम रोज एंड एन कॉलम्स इज कॉल्ड एम क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड इट इज डिनोटेड बाई ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। सो फ्रेंड्स, देखिए, एक रेक्टेंगुलर एरे में कुछ नंबर एम रोज, जिसके पास एम रो होगा और एन कॉलम होगा, अगर उस नंबर को हम रीअरेंज कर सकते हैं तो उसे हम मैट्रिक्स कहेंगे। मैंने एक रेक्टेंगुलर एरे में कुछ नंबर को रीअरेंज किया, देखिए 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1, 2, 3। सो फ्रेंड्स, देखिए, पहले जानते हैं मैट्रिक्स का रो क्या होता है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ओराइजोंटल लाइन बराबर जो नंबर रहता है उसको हम मैट्रिक्स की रो बोलते हैं। यहाँ पे देखिए 9, 8, 7 इस मैट्रिक्स का रो है, 6, 5, 4 इस मैट्रिक्स का रो है, 1, 2, 3 इस मैट्रिक्स का रो है। सो फ्रेंड्स, आप जानते हैं मैट्रिक्स का कॉलम क्या होता है। वर्टिकली लाइन में जो नंबर रीअरेंज होता है उसको हम मैट्रिक्स के कॉलम कहते हैं। यहाँ पे देखिए 9, 6, 1 एक कॉलम, 8, 5, 2 कॉलम, 7, 4, 3 इसको कॉलम कहते हैं। सो फ्रेंड्स, डेफिनेशन यही है। इस मैट्रिक्स को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, मैट्रिक्स ओवर एनी फील्ड। आपको मैं थोड़ा सा फील्ड के बारे में दिखाता हूँ। आप जानते हैं नेचुरल नंबर जेड में कंटेंट करता है और जेड रैशनल नंबर में कंटेंट करता है, और कि रैशनल नंबर रियल नंबर में कंटेंट करता है और रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में कंटेंट करता है। सो फ्रेंड्स, देखिए, यहाँ पे नेचुरल नंबर और जेड इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर फील्ड नहीं होता है, बाकी सब फील्ड होता है। सो फ्रेंड्स, इसका मतलब है इसके ऊपर, रैशनल नंबर, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर मैट्रिक्स डिफाइंड होता है। सो फ्रेंड्स, देखिए, और मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है। सो फ्रेंड्स, देखिए, मैट्रिक्स को कैसे डिनोट किया जाता है। मैट्रिक्स को लिखने के लिए कैपिटल वर्ड यूज होता है। सो फ्रेंड्स, देखिए, कैपिटल लेटर यूज होता है। सो फ्रेंड्स, ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स मानूंगा 1, 2, 3, 4। यहां पे देख सकते हैं ए एक मैट्रिक्स है जिसका एम क्रॉस एन मैं लिख सकता हूं, जहां पे फ्रेंड्स देखिए मैट्रिक्स में हमेशा रो पहले आएगा, एम रो एन कॉलम। यहां पे देख सकते हैं एक दो दोनों रो है, तो ये मैट्रिक्स 1, 2, 3, 4 की रो 2 होगा और एन। फ्रेंड्स, देखिए, एक कॉलम और एक कॉलम, दो कॉलम होते हैं, ऐसे ही इसे डिनोट किया जाता है। सो फ्रेंड्स, देखिए, अगर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स रियल नंबर से आते हैं तो उस मैट्रिक्स को रियल मैट्रिक्स कहा जाता है, और अगर मैट्रिक्स की एलिमेंट फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है, अगर फील्ड कॉम्प्लेक्स है तो मैट्रिक्स का एलिमेंट अगर कॉम्प्लेक्स से आता है तो इसे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहा जाता है। मैं एक रियल मैट्रिक्स की एग्जांपल देता हूं, लेट ए इक्वल टू 1, 0, 3, 2। सो फ्रेंड्स, देखिए, यहाँ पे
103.2 रियल नंबर से आ रहा है तो ये मैट्रिक्स रियल है। मैं एक मैट्रिक्स बी पिकअप बी लिया है तो इसका यहाँ पे आयोटा 0.02 आयोटा। सो फ्रेंड्स देखिए इसका एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है तो ये मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होगा। सो फ्रेंड्स देखिए आई होप आपको मैट्रिक्स समझ में आया है और इस मैट्रिक्स के कुछ प्रॉपर्टीज है जो एलजेब्रिक प्रॉपर्टीज होते हैं मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। मैट्रिक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अगर आपके पास कोई भी दो मैट्रिक्स गिवन होगा तो उसे कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स एक बात आप ध्यान रखिए, मैट्रिक्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए मैट्रिक्स की रो और कॉलम सेम होनी चाहिए, यानी कि 2x2, 3x3, 4x3। एक और मैट्रिक्स जब आप लेंगे तो इसका भी ऑर्डर 2x2 होना चाहिए, तभी आप मैट्रिक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर मैट्रिक्स इस ए मैट्रिक्स की ऑर्डर 2x3 और इस मैट्रिक्स की ऑर्डर 2x2 हो जाए तो इस मैट्रिक्स को आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते है। तो मैट्रिक्स एडिशन कैसे होता है मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं। मैंने एक एग्जांपल लिया है ए इक्वल टू 1003, एक और मैट्रिक्स लिया है 3105। इस मैट्रिक्स को आप एडिशन कैसे करेंगे तो आपको करना होगा ए प्लस बी, पहले ए मैट्रिक्स को लिखिए, यहां पे आएगा 1003 प्लस बी मैट्रिक्स क्या था 3105। सो जब आप इसको ऐड करेंगे याद रखिए इस एलिमेंट के साथ इसको ऐड करना है, इस एलिमेंट को इसके साथ आपको करना होगा। तो ये 2x2 मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 मैट्रिक्स, जो इसका साम आएगा इस मैट्रिक्स का साम यानी कि एडिशन आएगा दोनों मैट्रिक्स से एडिशन, ये भी 2x2 का आएगा, नहीं तो मैट्रिक्स की एडिशन डिफाइन नहीं होगा। तो 1 को 3 से जब ऐड करेंगे ये 4 आएगा, 0 से 1 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 0 से 0 0 आएगा, 3 और 5 ये 8 आएगा। सो फ्रेंड्स देखिए इसका सब्ट्रैक्शन अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे प्लस के जगह माइनस होगा। सो फ्रेंड्स इसका सब्ट्रैक्शन होगा 1 से -3 करेंगे तो यह जाए -2, 0 से -1 -1, 0 से 0 0, 3 से -5 -2, ये भी 2x2 मैट्रिक्स होगा। सो फ्रेंड्स देखिए आप मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। सो फ्रेंड्स मैंने आपको दिखाया था मैट्रिक्स एडिशन और मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन करने के लिए मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम होनी चाहिए, यानी कि आप अगर ए मैट्रिक्स चूज करते हैं उसकी ऑर्डर m×n और दूसरा अगर एक मैट्रिक्स चूज करते हैं उसका भी ऑर्डर m×n होना चाहिए। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दो मैट्रिक्स लिया है, ए इक्वल टू ए आई जे, बी इक्वल टू बी आई जे, ऐसे तरह एलिमेंट होता है। मैंने आपको कहा था अगर कोई भी मैट्रिक्स डिफाइंड है जो पहले आता है उसको रो और जो दूसरा आता है उसको कॉलम बोलते हैं, आर इंटू सी, और इसका भी रो पहले रो लिखा जाता है पहले कॉलम। मानिए एक एग्जांपल देखिए, अगर 1, 2, 3, 4 यहाँ पे है तो यहाँ पे देखिए पहले जो नंबर को रो से डिफाइन किया, यहाँ पे दो रो है 1, 2, तो पहले रो को और कॉलम 1, 2 कॉलम है, सेकेंड कॉलम को डिफाइन किया जाता है। सो फ्रेंड्स देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल होगा जब इसका कॉलम और इसका रो सेम होनी चाहिए, इसकी कॉलम और इसकी रो सेम होनी चाहिए तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड होगा। यानी कि ए इंटू बी कर सकते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ए इंटू बी कर सकते हैं। अगर सी इक्वल टू आर हो जाए तो आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर सी नॉट इक्वल टू आर होता है तो ये मैट्रिक्स डिफाइंड, इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड डज नॉट एग्जिस्ट, कभी नहीं हो सकता है। सो फ्रेंड्स मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको दिखाता हूँ। मैंने एक मैट्रिक्स चूज किया a=1, 3, 2, 4 और दूसरा मैट्रिक्स कॉन्स्ट्रक्ट किया 1, 0, 3, 2। सो फ्रेंड्स देखिए मैंने दो मैट्रिक्स लिया है, इस मैट्रिक्स में देखिए जब मैं इसका लिखूंगा तो यहाँ पे देखिए 1, 2 रो होता है और 1, 2 कॉलम, तो 2x2। ये मैट्रिक्स भी देखिए 1, 0, 3, 2, इसका भी रो 2 है और कॉलम 2 है, 2 रो 2 कॉलम। सो फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको कहा था यहाँ पे R इंटू सी लिखिए, यहाँ पे लिखिए R इंटू सी। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं इसका कॉलम पहले का कॉलम और दूसरे का रो 2
टू है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आराम से आप डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन सो फ्रेंड्स, लेकिन अगर ये सो फ्रेंड्स देखिए, अगर कोई भी मैट्रिक्स ए इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे गिवन है, इसका देखिए इसका रो नंबर है थ्री और कॉलम, इसका रो नंबर है थ्री और कॉलम टू। एक और मैट्रिक्स मैं लिखता हूं बी इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। सो फ्रेंड्स देखिए, इसका रो कितना है एक दो तीन और कॉलम कितना है एक दो तीन, तो ये आया है का थ्री क्रॉस थ्री। फ्रेंड्स देख सकते हैं आर क्रॉस आर इंटू सी आर इंटू सी, अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉलम टू दो कॉलम हो रहा है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कॉलम दो हो रहा है और यहाँ पे देखिए इसका रो तीन हो रहा है, यानी कि टू नॉट इक्वल टू थ्री। तो इस ए और बी मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन को कैसे करते हैं। सो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको टू क्रॉस टू मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसका रूल आपको मैं दिखाऊंगा। आप कोई भी मैट्रिक्स आराम से मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। पहले आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन को डिफाइन करके उसका मल्टीप्लाई किया जाता है। मैं पहले आपको टू क्रॉस टू मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसको दिखाऊंगा, फिर थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा। सो फ्रेंड्स देखिए, ये मैट्रिक्स की यहाँ पे आर क्रॉस सी, यहाँ पे कॉलम नंबर टू, तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स का दो कॉलम है और इस मैट्रिक्स का दो रो है, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आराम से डिफाइन हो सकता है। इसको इसके साथ कंपेयर कीजिए तो ये हो जाएगा। सो फ्रेंड्स देखिए, इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यानी कि ए इंटू बी आएगा। पहले ए मैट्रिक्स को आपको लिखना पड़ेगा, ए बी, अगर ए बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं कर रहे हैं तो पहले ए आएगा फिर बी, तो ये आ जाएगा फोर टू माइनस वन कोमा थ्री माइनस वन थ्री और इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होगा यहाँ पे बी, फिर बी लिखिए थ्री माइनस वन फाइव टू। सो फ्रेंड्स, इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले आप देख सकते हैं ए मैट्रिक्स की रो को बी मैट्रिक्स की कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि इस एलिमेंट यहाँ पे जाएगा और इस एलिमेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो पहला नंबर आएगा, फिर इस एलिमेंट को इसके साथ और इस एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आएगा। मैं आपको दिखाता हूं। सो फ्रेंड्स देखिए, चार को जब तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेल्व होगा और टू को फाइव से मल्टीप्लाई कर तो टेन होगा, तो यहाँ पे आएगा ट्वेल्व प्लस टेन। फिर से इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे देखिए फोर इंटू माइनस वन, यहाँ पे आएगा माइनस फोर और टू इंटू टू प्लस फोर, और फिर से वही कॉन्सेप्ट आपको रिपीट करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, इस माइनस वन को पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए प्लस इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस वन थ्री, तो ये आ जाएगा माइनस थ्री, और थ्री को फाइव से जब मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा फिफ्टीन। सो फ्रेंड्स, पिछले मल्टीप्लीकेशन की तरह यहाँ पे देखिए, इस माइनस वन को इस रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये माइनस वन प्लस वन और यहाँ पे थ्री इंटू टू प्लस सिक्स। जो सो फ्रेंड्स, ये सम आप आराम से निकाल सकते हैं, ट्वेल्व प्लस टेन ये आ जाएगा ट्वेंटी टू, यहाँ पे माइनस चार प्लस चार जीरो हो जाएगा और ये आ जाएगा फिफ्टीन माइनस थ्री, ये आएगा ट्वेल्व और सिक्स प्लस वन सेवन। सो फ्रेंड्स, कितना आसान है टू क्रॉस टू मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। मैं आपको एक और एग्जांपल लेके थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं दिखाता हूँ। ज्यादातर क्वेश्चन में थ्री क्रॉस थ्री और टू क्रॉस टू मल्टीप्लीकेशन पूछा जाता है। सो फ्रेंड्स, मैं आप दिखाते हैं थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, आप थ्री क्रॉस थ्री आपके पास कोई भी दो मैट्रिक्स गिवेन होगा तो उसका मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा। टू क्रॉस टू मैट्रिक्स अगर आप मैंने ए बी को लिख लिया है, अगर ए बी मैट्रिक्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले ए फिर बी आएगा। सो फ्रेंड्स देखिए, इसका भी मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड होगा क्योंकि यहाँ पे कॉलम देखिए थ्री, तीन कॉलम है और इसके पास थ्री रो है, थ्री क्रॉस थ्री ये इक्वल है, तो इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लाई डिफाइंड हो, तो इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लाई निकाल दे। मैंने पिछले टू क्रॉस टू मैट्रिक्स में कहा था वन को वन से मल्टीप्लाई होगा, इस एलिमेंट यहाँ पे, इस एलिमेंट यहाँ पे, इस एलिमेंट यहाँ पे और यहाँ पे जो एलिमेंट क्रिएट होगा यहाँ पे आएगा। सो फ्रेंड्स देखिए,
वन को वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वन, माइनस वन को जीरो को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो को जीरो, तो अल्टीमेट आ रहा है वन इंटू वन, तो यहां पे आ रहा है वन, यहां पे आ रहा है जीरो, यहां पे आ रहा है जीरो। सो फ्रेंड्स देखिए, फिर इसका दूसरा एलिमेंट लिखते हैं। सो फ्रेंड्स दूसरा एलिमेंट आएगा इससे रो और इस रो और इस कॉलम, वन इंटू वन, तो ये आ जाएगा वन, माइनस वन इंटू वन, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस वन, और यहां पे देखिए जीरो के साथ जब जीरो मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ जाएगा प्लस जीरो। एक और कॉलम होगा, देखिए वन माइनस वन जीरो इस रो को इस कॉलम के साथ, तो ये आ जाएगा वन इंटू माइनस वन, तो ये आ जाएगा माइनस वन, माइनस वन माइनस वन प्लस वन, और जीरो इंटू वन, तो ये आ जाएगा जीरो। सो फ्रेंड्स सिमिलरली दूसरे रो को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए। सो माइनस वन इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस वन, टू जब जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा जीरो, प्लस वन जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा जीरो। फिर से सिमिलरली माइनस वन वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस वन, टू जब वन के साथ मल्टीप्लाई होगा ये आएगा टू, और वन जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा जीरो। फिर से इस रो को इस कॉलम के साथ, तो माइनस वन ये आएगा प्लस वन, प्लस टू को जब माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस टू आ जाएगा, और वन को जब वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा वन। तो सो फ्रेंड्स देखिए, जीरो के साथ जब इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जीरो, प्लस वन को जब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, प्लस वन को जब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जीरो, जीरो को जब वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा जीरो, वन को जब वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वन, प्लस वन को जब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा जीरो। फ्रेंड्स देखिए, जीरो को जब माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जीरो, वन को जब माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस वन, वन को जब वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस वन। सो फ्रेंड्स देखिए, मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स जब आप इसको सम करेंगे तो ये आ जाएगा वन, ये आ जाएगा जीरो, ये आ जाएगा माइनस वन प्लस वन, तो ये आ जाएगा जीरो। यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस वन, यहाँ पे देख सकते हैं टू माइनस वन, तो ये आ जाएगा वन, और ये आ जाएगा वन, प्लस टू माइनस टू, तो ये आ जाएगा जीरो। यहाँ पे आएगा जीरो, यहाँ पे देख सकते हैं वन, और यहाँ पे आएगा जीरो माइनस वन प्लस वन, तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो। सो फ्रेंड्स वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी दिखाता हूँ, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अगर आपके पास कोई भी स्केलर, जैसे कोई नंबर है जीरो वन टू थ्री फोर माइनस वन माइनस टू वन बाई टू, कोई भी स्केलर है उसके साथ जब आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। अगर आपके पास कोई भी ए मैट्रिक्स है जहां पर ए आई जे एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, जहां पर ए जब स्केलर मल्टीप्लाई को ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस स्केलर मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के अंदर घुसेगा, तो ये के ए आई जे हो जाएगा और एम क्रॉस एन। मैं एग्जाम्पल लेकर आपको दिखाता हूं, मैं के की वैल्यू टू लिया है और ए की वैल्यू ए मैट्रिक्स के लिए ए मैट्रिक्स लिया है थ्री टू जीरो फोर, तो यहाँ पे के वन यानी कि टू ए की वैल्यू आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं पहले टू लिखिए और यहाँ पे आएगा थ्री टू जीरो फोर, इस टू हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आएगा टू इंटू थ्री सिक्स, टू इंटू टू फोर, टू इंटू जीरो जीरो, टू इंटू फोर एट। सो फ्रेंड्स देखिए, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, अगर आपके पास कोई भी स्केलर के गिवन होगा, जब आप उसके साथ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट वैलिड होगा। सो फ्रेंड्स इसके नेक्स्ट वीडियो में यानी कि पार्ट टू वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, कितने तरह की मैट्रिक्स होते हैं और उसका उसके साथ उसका एलिमेंट का बिहेवियर कैसे होता है, मैं आपको दिखाऊंगा।